आज फर्स्ट डे का स्टार्ट तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त किया। कगिसोर अबादा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 12 रन्स पे एक पहली विकेट अग्रवाल की उन्होंने गिरा दी। ठीक है, उसके बाद मतलब जो पुजारा है, पुजारा को फिर आउट किया। ठीक है, और विराट कोहली को जिस तरह से LBW किया एनरिच नॉर्जे ने, मतलब के 39 रन्स पे 3 खिलाड़ी आपने, जो उनके मेन सेंचुरी करने वाले प्लेयर्स हैं, आपने वो गिरा दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मतलब जो हिटमैन है रोहित शर्मा है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, बड़ी सेंसिबल मेच्योर इनिंग्स खेली है। रेहाने ने बड़ा अच्छा साथ दिया और आप अंदाज़ा लगा ले कि सेंचुरी मार दी है, 117 रन्स पे अभी तक क्रीज पर मौजूद है। रेहाने 83 पर है। ठीक है, विराट कोहली नहीं चल सके हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब के आप कह लें कि 12 स्कोर उन्होंने किया, 10 अग्रवाल ने किया। ये लक है साउथ अफ्रीका की कि जो मतलब अच्छे प्लेयर्स को जल्दी आउट कर दिया। और आज ख़राब मौसम की वजह से सनलाइट प्रॉपर नहीं थी, लाइट का बड़ा फैक्टर आ रहा था। 58 ओवर्स अब तक हुए और 224 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट, लेकिन 39 रन से लेके 228 रन्स तक का जो सफ़र है पार्टनरशिप का, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। मतलब इतने में तो फोर्थ और फिफ्थ विकेट के ऊपर दबाव होता है, कोई भी एक आध गलत शॉट खेले आप प्रेशर में आ जाएं तो ये तो बड़ा मसला बनता है। लेकिन अगर ये आज 90 ओवर्स तक यही अगर विकेट रहती तो रोहित शर्मा 150+ कर लेते, और इंडिया मेरा ख्याल है कि 370 तक आज के डे में मतलब स्कोर कर लेता। बहरहाल कल का दूसरा दिन अभी पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि कल जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, ये कम से कम भी 450 से 500 के बिटवीन तक जो है ना ये स्कोर करेंगे। अगर बीच में इनकी विकेट्स कल फर्स्ट सेशन के अंदर गिर जाती है, एक दो विकेट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ले लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये 400 से 450 के राउंड अबाउट ही स्कोर होगा। अदरवाइज ये 450 से 500+ मैं देख रहा हूँ। तो बहरहाल एक अच्छी इनिंग्स आज इंडिया ने खेली है, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप दी है, और जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है लग रहा है कि ये डबल सेंचुरी जो है ना तक बात जाएगी और एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएगा। तो कल के दिन का इंतज़ार है। आपको क्या लग रहा है कि फ्रेंड्स कल रोहित शर्मा क्या डबल सेंचुरी बना पाएगा और क्या रेहाने सेंचुरी बना पाएगा, रेहाने कितना स्कोर करेगा? क्योंकि रेहाने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहा है। जिस जो बॉल उनको मिलती है सही बाउंड्री के बाहर उसको मतलब जो है फेंकते हैं, बड़ा मतलब ठहर ठहर के खेल रहे हैं, एक अच्छी इनिंग्स है। बहरहाल एक टीम इंडिया की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ऐसे ही लग रहा है कि ये भी हसबे मामूल जो है ना ये 500+ करके जो है ना साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देंगे। और क्योंकि जब एक दफ़ा प्लेयर्स टिक जाए क्रीज पर तो फिर उसको आउट करना खासा मुश्किल होता है, और वो भी ऊपर से रोहित शर्मा और रेहाने, तो देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कल आपको क्या लग रहा है कि कल टीम इंडिया का स्कोर मैक्सिमम कितना होगा फर्स्ट इनिंग्स तक, और रेहाने कितना कर पाएगा और रोहित शर्मा कितना कर पाएगा। ये मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेहरबानी आपकी, और बेल आइकन को लाजमी दबाओ ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।